हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम देखेंगे अनबॉक्सिंग एक्वासोनिक एरवाना टाइनिंग लाइट की। एक्वासोनिक ये एक कियानो फिश फार्म का ही ब्रांड है और उन्हीं के साथ आता है, मतलब जो ओशन फ्री की लाइट होती है वो भी कियानो फिश फार्म से ही आती है और एक्वासोनिक भी उन्हीं का ब्रांड है। ये एक 5 फीट टाइनिंग लाइट है। ये मैंने परचेज़ किया मिस्टर मंगेश से फ्रॉम मैक्स एक्वा। उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं या भी इसके प्राइस के बारे में जो भी डिटेल्स आप चाहते हो आप उनको कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे। मेरी पहली भी टैनिंग लाइट है मेरे पास एक एक्चुअली, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मुझे पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से। बहुत लोगों को हमें कन्फ्यूज़ होता है कि और एक्चुअली ओरिजिनल टैनिंग लाइट कौन सी होती है। दो टाइप्स की लाइट्स होती है, एक टैनिंग लाइट होती है ओरिजिनल रियल टैनिंग लाइट और दूसरी होती है कलर अप लाइट। मोस्टली हम कलर अप लाइट को टैनिंग लाइट समझ बैठते हैं। पहले मैं जो रेड लाइट यूज़ करता था वो एक्चुअली कलर अप लाइट थी। कलर अप लाइट एक्चुअली फिश के कलर्स को चेंज नहीं करते, बस वो देखने में अच्छे दिखते हैं कलर, रियल कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर रेड आर वन है तो उसके रेड कलर्स जो भी है वो पॉप होता है, वो कलर अप लाइट का काम होता है। और जो टैनिंग लाइट होते हैं वो एक्चुअली फिश के कलर्स चेंज करती है, टैनिंग होता है उसमें। UVA और UVB रेस प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैनिंग के लिए, ऐसे वो कंपनीज क्लेम करते हैं कि उस UVA और बी रेस की वजह से टैनिंग होता है। सो दिस इज अ लाइट समर्सिबल LED टैनिंग लाइट 143 सेंटीमीटर, जो 39 वाट की लाइट है फ्रॉम एक्वासोनिक। इसके भी एक 1 ईयर की वारंटी है एक्चुअली, लेकिन इंडिया में हमें वो मिलती नहीं क्योंकि इंडिया में कोई सर्विस सेंटर है नहीं, इसलिए हम इंडिया में ये वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। ये कुछ इसके फीचर्स हैं। इसकी जो टैनिंग है, ऐसे वे लोग बोलते हैं कि ये जो टैनिंग है वो एक बार हो जाए तो फिर से फेड नहीं होती, वो परमानेंट टैनिंग होती है। इससे आप पोजिशन वगैरह दी है, ये देख सकते हैं आप कियानो फिश फार्म से ये लाइट है। ये पूरा बॉक्स हमने हटा दिया है, देख सकते हैं आप ये लाइट कितना बड़ा है। आई डोंट नो अगर आप वीडियो में इसकी साइज जज कर पा रहे हो, लेकिन ये सच में बहुत ही बड़ा लाइट है। लेंथ भी अच्छी है और जो इसका डायमीटर है वो भी बहुत बड़ा है, जो मेरी प्रीवियस टैनिंग लाइट थी उससे कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये अडेप्टर है इसका, देख सकते हैं आप 39 वाट फ्रॉम एक्वासोनिक। यहाँ पे एक्वासोनिक की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक स्विच दिया है हमें ऑन ऑफ करने के लिए और ये क्लैम्प से जिसे हम ग्लास पे माउंट कर सकते हैं इसे। तो अभी ये मैंने टैनिंग लाइट अपने टैंक में लगाया, इंस्टॉल कर दिया है। ये एक्चुअली कहते हैं कुछ लोग कि फ्रंट ग्लास या फिर बैक ग्लास पे लगाना चाहिए, साइड में लगाना चाहिए टैनिंग लाइट, उसका कुछ रीजंस होते हैं, टैनिंग अच्छा होता है वो सब। लेकिन मुझे पर्सनली वो टैंक में होना पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता, मैंने इसलिए इसे टॉप माउंट ही किया है। देखते हैं 30 डेज में क्या रिजल्ट आता है, अगर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हम बाद में देखेंगे कि फ्रंट माउंट करना है या नहीं, जो फ्रंट पैनल होता है उस पर हम लगा देंगे अगर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया 30 डेज में। तो देख सकते हैं अब हमने अरवाना डे 1 पे ऐसे दिख रही है रेगुलर विदाउट टैनिंग ऐसा है। अब 30 डेज के बाद एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे ओवरऑल टैनिंग प्रोग्रेशन हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।